हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ DEF के बारे में। जी हाँ, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के बारे में। और ये वीडियो उपयोगी रहेगा हर एक ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, ऑटोमोबाइल सेल्स पर्सन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए तो है ही, साथ ही में ऐसे लोग जो कि एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, डीजल की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना और वक्त ज़ाया करते हुए चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की, जहां पे हम बात करने वाले हैं DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। पहले तो ये क्या होता है, सेकंड गाड़ी में कहां डलता है, कैसे इसको मेंटेन रखा जाए, थर्ड अगर मेंटेन नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है, और इन सबसे पहले ही इनफेक्ट हम बात कर लेंगे कि DEF क्यों ज़रूरी है गाड़ी के लिए, डीजल की गाड़ी के लिए। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब जान लेते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड गाड़ी का SCR जो यूनिट है, सिलेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन यूनिट है, जिसके अंदर इसका काम है कि गाड़ी से जो भी ज्वलंत कण, केमिकल कण निकल रहे हैं गाड़ी से बाहर, उनको न्यूट्रलाइज करके एनवायरनमेंट में पास ऑन करना, तो उसके यूनिट का पूरे का एक पार्ट है DEF। अब इसमें होता क्या है, गाड़ी से जो भी NOx बाहर निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो भी कण बाहर निकल रहे हैं, उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, फिर ही एनवायरनमेंट में छोड़ा जाएगा। और ऐसा शुरू हुआ जब सरकार ने BS6 लागू किया। अब देखिए, BS4 जो इंजन आ रहे थे, ध्यान से समझिएगा, BS4 जो इंजन आ रहे थे, वहाँ पे जो पॉल्यूशन के मानक थे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, BS6 में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। खास करके ये जो टेक्नोलॉजी BS4 से BS6 का ट्रांजिशन रहा, ये डीजल व्हीकल्स के लिए काफ़ी कठिन रहा। पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर आपने देखा होगा गाड़ियों के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, गाड़ियों कार कंपनीज ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करके, इंजन में चेंजेस करके, वो जो पॉल्यूशन के मानक थे वो मैनेज कर लिए। लेकिन डीजल के अंदर कार मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़े। इस कारण से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने तो डीजल इंजन देना ही, प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। साथ ही में जो प्रोड्यूस कर भी रहे हैं उनकी गाड़ियां 1-1.5 लाख रुपए महंगी हो गई। ये इसीलिए हुई कि उनके लिए अलग से आपको SCR यूनिट्स लगानी पड़ी गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर काफ़ी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ी ताकि आपके जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो। अब इसी के तर्ज पे, इसी को ध्यान में रखते हुए DEF गाड़ियों में डाला जाने लगा है। DEF कैसा है, एक टैंक अलग से बना हुआ होगा गाड़ी में, फ्यूल टैंक तो है ही, ऑयल टैंक तो है ही, उसके अलावा एक अलग से DEF टैंक भी डलेगा। और जो भी एग्जॉस्ट बाहर जा रहा है गाड़ी से, जो कि पोल्यूशन जो भी फ्यूल बर्न हुआ, उसके बाद जो एग्जॉस्ट जा रहा है, वो जाने से पहले ट्रीट किया जाएगा, उसको DEF के थ्रू पास किया जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, उसके अंदर जो भी NOx होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो ऑटोमोबाइल के ओनर्स हैं, जो गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, पहले तो क्या होगा, डीजल व्हीकल्स की मेंटेनेंस थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है, हो ही जाएगी, क्योंकि DEF एक अलग पर्टिकुलर कॉस्ट पे आएगा। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं है, बट स्टिल आपको ये थोड़ा सा मेंटेनेंस में आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ क्या है कि अलग अलग कंपनीज ने पर्टिकुलर किलोमीटर रेंजेस, ये ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग अलग कंपनीज ने पर्टिकुलर किलोमीटर रेंजेस फिक्स कर दिए कि इतने किलोमीटर के बाद आपको DEF चेंज करवाना है या फिर रीफिल करवाना है, इनफैक्ट रीफिल करवाना है। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई गाड़ी का DEF कम हो रहा है तो हम वो भरवा लें। इसके लिए कंपनीज ने क्या किया, DEF इंडिकेटर दे दिया है, आपका जो सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसी पे DEF इंडिकेटर दे दिया है, जहां पे हम देख सकते हैं कि गाड़ी का DEF कितना कम है, कितना ज्यादा है। अब गाड़ी के अंदर क्या है, आपको ये इंश्योर करना है कि हमेशा DEF भरा हुआ रहे। अगर कोई कार कंपनी, उदाहरण के तौर पे, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, कार कंपनीज कहती है उदाहरण के तौर पे कि 7,500 किलोमीटर पे या फिर 8,000 किलोमीटर पे या फिर 6,000 किलोमीटर पे DEF का रेंज है, अगर आपने इसको फुल टैंक कर दिया तो, जनरली 10 से 15 लीटर की इसकी टंकी होती है, अगर आपने फुल टैंक कर दिया तो इतने लीटर्स, इतने किलोमीटर से गाड़ी चल जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि गाड़ी का माइलेज डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशंस और ड्राइवर के ऊपर, ऐसे ही DEF का कंजम्पशन भी इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। हो सकता है गाड़ी के अंदर 4,000 किलोमीटर पर ही DEF खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, गाड़ी ड्राइव करते समय हमेशा इन DEF इंडिकेटर पे ध्यान रखना है। अगर लग रहा है कि काफ़ी ख़त्म हो गया है, रेड एकदम जोन में आ गया है, तो उसका टॉपअप करवा लीजिए। टॉपअप का मतलब क्या हुआ साहब, या तो मैं डीलरशिप पे जाऊंगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाऊंगा, और एकदम जो कंपनी कह रही है कंपनी ग्रेड का DEF, उसमें पूरा भरवा लूंगा टैंक में।
अगर वो नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी है, तो आप क्या कीजिए, किसी भी पेट्रोल पंप या डीजल पंप के ऊपर आपको आजकल DEF बॉक्सेस मिल रहे हैं, जहां से आप DEF खरीद के गाड़ी के अंदर, गाड़ी का जो DEF टैंक है उसमें भरवा सकते हैं और गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लेकिन 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 मैं गाड़ी चलाने में मस्त हूँ, मुझे नहीं पता कि DEF भी गाड़ी में डलता है। गाड़ी के अंदर मेरा फ्यूल पूरा कर लिया, डीजल पूरा भरा हुआ है, ऑयल पूरा चेक किया हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी मुझे वार्निंग देगी अगर DEF लेवल कम होता है तो। अगर उन वार्निंग्स को, रिपीटेड वार्निंग्स को मैं इग्नोर करता गया और गाड़ी एक ऐसी स्टेज पर पहुँच गई जहाँ पर DEF पूरा ख़त्म हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाड़ी का इंजन आगे चलने से मना कर देगा। भाई सरकार कह रही है इसके आगे चलाओगे तो पोल्यूशन होगा, तो इसे कार कंपनीज आपको ऐसा मैकेनिज्म गाड़ी में सेट करना पड़ेगा कि DEF खत्म तो इंजन नहीं चलेगा। उसके बाद क्या आपका इंजन सीज हो गया? जी सीज नहीं हुआ, वो चलेगा तभी जब वापस से DEF को पूरा रिफिल किया जाए। तो ये एक ऐसी माथापच्ची, एक ऐसी गुत्थी है जो आपको सुलझानी पड़ेगी अगर आप डीजल कार्स यूज़ करना चाहते हैं तो, जो BS6 वाली है और बड़े इंजन वाली। छोटे इंजन है, अगर 1000-1200 cc का इंजन है उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही जनरली, 2000 cc के ऊपर ये देखने को मिल रहा है कि DEF अलग से दिया गया है। DEF का फिलिंग पॉइंट या तो आपके बूट में हो सकता है या फिर आपका जो डीजल का जहाँ से भरवाते हैं अपन, वहाँ पर अलग से ओपनिंग दी जा सकती है जहाँ से इसकी फिलिंग हो जाए। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, गाड़ी खरीदने जाएँ और गाड़ी मेंटेन करने लगे DEF को समझिएगा, और इसको ट्राई कीजिएगा कि आप सर्विस सेंटर पे किसी कुशल व्यक्ति के थ्रू ही भरवाएं, क्योंकि इसके अंदर ये ना जो मटेरियल है DEF वाला वो भी थोड़ा केमिकल मटेरियल है, रिएक्टिव है, कई बार इसको खोल देते हैं तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो आपको इसको तभी यूज़ करना है जब आप एक्चुअली में गाड़ी में पोर करने वाले हों। अगर आप खुद इसको रखना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहते हैं कि यार जब भी DEF भरना हो मैं, कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर हो जाए, 4 हज़ार किलोमीटर हो जाए, मैं खुद भर लूँगा, आप गाड़ी में रखना चाहते हैं तो समझ लीजिए वर्कशॉप पे जाके इसका क्या सही तरीका रहेगा। इनफैक्ट आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि कैसे पोर करना है DEF ताकि हम हमारी कार्स को ढंग से मेंटेन करके रख सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, ये था DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि DEF के बारे में और जानकारी आपको चाहिए हो, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, जो भी दिमाग में आते हो वो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और मुझे लगता है ये एक नेसेसरी चीज़ थी कि सरकार ने कहा कि ऐसे रिड्यूस करो पोल्यूशन को, तो कार कंपनीज के पास ऑप्शन नहीं था, उनको एक अलग से DEF का ऑप्शन देना पड़ा। और खास करके वो लोग जो कि डीजल व्हीकल्स के शौकीन हैं, चलाने में मज़ा आता है, डीजल व्हीकल उनको टॉर्की लगता है और डीजल कार्स ही खरीदना चाहते हैं, वो खरीदते रहेंगे साहब और उनके मतलब की रहेगी डीजल कार्स एंड दे विल बी यूजिंग द DEF फ्यूल एज वेल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, आज के वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, टेक केयर एंड जय भारत।